and we have outlived those college life. So guys, I have come to the university. Hello and welcome back to my channel, lovely people. This is Angita Prasad. So I have come to GGV for the final rituals. और आज मुझे अपना TC migration और degree का बहुत सारा काम करवाना है. So it feels like a nostalgia क्योंकि यहाँ पे अभी counseling का time चल रहा है and एक time था 5 साल पहले जब हम भी counseling के लिए आए थे और यहाँ के चक्कर लगा रहे थे and now we are going and अब हम फिर से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन यहाँ से निकलने के लिए. So yeah, बहुत कुछ अच्छा रहा यहाँ पर और बहुत अजीब सी फीलिंग है. इट्स लाइक लिविंग बिहाइंड समथिंग विच वॉज सो क्लोज टू यू. यहाँ रोज़ आना, यहाँ पे इतनी मस्ती करना, इतना अच्छा पढ़ाई करना, सब कुछ इतना अचीव करना वॉज समथिंग रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड आई विल कीप इट विद मी. जब हमारी काउंसलिंग हुई थी ना तो मैं यहाँ पे बैठी थी. हम लोग इसी क्लास में बैठे थे, पांडा सर ले रहे थे. गॉड, क्या करेंगे, कुछ कह भी नहीं सकते. लड़कों को डांट देते हैं, इनको डांट. सर की हेयर स्टाइल चेंज हो गई है एकदम, कपड़े चेंज हो गए हैं नए स्टूडेंट्स के लिए. सर सर मेरे ब्लॉग के लिए थोड़ा कंटेंट दे दीजिए. बताओ. नहीं, आखिरी बार मैम ऐसा रिकॉर्ड करना बनता है ना, थोड़ा सा स्पेशल बनता है. क्यों नहीं बनता है जी, आप दीजिए कंटेंट. कंटेंट दीजिए. लाइफ इज कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूअल रीअडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट. ओहो, दिस थिंग इन योर माइंड. यस सर, बता दीजिए. कंटिन्यूअल रीअडेप्टेशन एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी. यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, योर एटीट्यूड. इफ यू विल नॉट चेंज योर सेल्फ, यू नो इट बेटर दैट व्हाट विल हैपन विद यू. यस मैम, आप भी कुछ बताएंगे. थैंक यू सर. आप भी कुछ ज्ञान सर, आप भी ज्ञान दे दीजिए थोड़ा सा. अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पार्टी सर, पार्टी. आपने कुछ नहीं होता, बी योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ ऑनेस्टली वेयर एवर यू गो. थैंक यू सर. फॉर टाइप ऑफ सिचुएशंस डेफिनेटली. सो गाइस, ये मेरी क्लास थी और आज मैं यहाँ पे अपना पीसी का फॉर्म भर रही हूँ. पीछे दिखा, मेरी क्लास दिखा. वैकेंसी है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा. हमारे क्लर्क सर, साहू सर हाय बोल दीजिए मेरे वीडियो में. यूट्यूब में देखिएगा, डालूंगी चश्मा पहन के. इन्होंने हमें इतना परेशान किया है जब हम आते हैं काम कराने के लिए तो ये नहीं रहते. बोल दीजिए, मेरी तारीफ कर दीजिए थोड़ा सा. बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ती है. अच्छा ठीक है. सो आज है काउंसलिंग का डे और आज हम लोग अपने टीसी का काम कराने आए. लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल बिकॉज एक टाइम हुआ था जब हम लोग भी आए थे काउंसलिंग के लिए और आज हम आए हैं टीसी का काम कराने के लिए. ये थी हमारी पहली क्लास. सो ये हमारा यूटीडी का जंगल. सो ये हमारे यूटीडी का जंगल. यहाँ हम बैठा करते थे और यहाँ पे कई बार हमने रील्स भी बनाई हैं. आई एम मेकिंग दिस फॉर माई गर्ल्स गैंग. यहाँ पे हम लोग डांस की प्रैक्टिस क्या करते थे, डू यू गाइज रिमेम्बर दिस. और ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी.
मेरी लाइब्रेरी जहाँ फर्स्ट ईयर के बाद कभी आना ही नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा कार्ड घूम गया था. माय गॉड, इट्स सच अ नॉस्टैल्जिया. सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद कभी आना ही नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा जो लाइब्रेरी कार्ड था वो घूम गया था. उसके बाद मैंने कोई भी बुक इशू कराई नहीं, या तो मैं खरीद लेती थी या तो फोटो कॉपी. यहाँ पे एक ही बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे और उसमें भी हम लोग सभी फाइनल में हार गए थे. और उधर अपना क्रिकेट ग्राउंड है, इधर बास्केटबॉल ग्राउंड है, अभी भी वहाँ पे कुछ हो रहे हैं. ओह गॉड, इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है ना, जैसे लग रहा है जैसे अब मैं कभी ज़िंदगी में यहाँ वापस नहीं आऊँगी. वैसे मैं आऊँगी कभी ना कभी तो, बट एज ए स्टूडेंट नहीं आऊँगी. मेरी तरह और भी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम लोग हॉस्टल में आके इतनी देर से बैठे सिर्फ एक साइन के लिए. क्यों आकांक्षा, इसका तीसरा दिन है, मेरा पहला दिन है, मेरा तीसरा दिन है, थक गई मैं. बट वो हमारी जो एक मैडम है वो दे ही नहीं रही, हमारा फॉर्म रख लिए कि हम तुमको साइन करके ही देंगे और हमारा सारा काम अटका हुआ है. बताओ, आधे घंटे से मैं बैठी हूँ, एक घंटे से बैठी है. अभी मैं इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हूँ ना, मैं क्या बताऊँ. ये हॉस्टल वार्डन का वेट करते करते एक घंटे हो गए और वो फाइनली बोलती हैं कि मैडम वहाँ बैठी हैं, वहाँ जाके साइन करा दो. अरे साला पहले ही बोल देते. एक तो मैं हॉस्टल में रही नहीं हूँ, उस पर भी मुझे हॉस्टल वार्डन का साइन करवाना है. ओके, आई एम कंप्लेनिंग राइट नाउ, बट इरिटेशन. आखिरी दिन में आई वॉन्टेड टू मेक अ व्लॉग अच्छे से, बट देखो क्या हो रहा है. हमारा डिपार्टमेंट हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय अच्छे से बोलना. सर से बोलवाओ कुछ, सर बोल ही नहीं रहे हैं. सर बोलिए ना. सर बोल तो रहा हूँ. क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ कि अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ से पास कर ली है. कल इसको कहीं नौकरी मिल जाए, भविष्य इसका उज्ज्वल हो. तुम लोग बोलो मेरा भविष्य उज्ज्वल हो. उज्ज्वल हो तेरा, जल्दी कोई उज्ज्वल हो. क्या बोल रही है? नहीं आ पाती तो दुख लगता है, बहुत दुख है. टेज काइंड ऑफ अ हेक्टिक डे. अभी भी काम नहीं हुआ है, हम लोग 10:30 बजे से आए हुए हैं और अभी 2 बज रहा है. इतने चक्कर तो क्लासेस के भी नहीं लगाए जितना यहाँ से टीसी माइग्रेशन के लिए. इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं इस काउंटर से उस डिपार्टमेंट में, यहाँ से वहाँ. उफ, ये अपना ओल्ड कैंटीन. पहले वहाँ पे कैंटीन था लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा उधर है. और ये हमारा ऑडी, ये तो आपने मेरे कॉन्वोकेशन वाले ब्लॉग में देखा ही होगा. ये हमारा ऑडिटोरियम, बजट 33 सभागार. और ये हमारा न्यू कैंटीन. यहाँ पे भी इतनी याद है, यहाँ पे स्किट की प्रैक्टिस करते थे, डांस करते थे और भी बहुत कुछ किया है. और ये जंगल वाला रास्ता जो शॉर्टकट था कोनी में खुलता था. वी आर इन द न्यू कैंटीन और इतनी सारी यादें हैं यहाँ पे. बर्थडेज मनाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, बहुत कुछ किया है यहाँ पे. बट आज ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि अब जब भी आएंगे तो फिर एज अ स्टूडेंट नहीं होंगे. आप कैसा रहा आज का दिन बता दो.
हमारा पहला खाना है आज का, कितना भी खा के निकलो कुछ नहीं होता। वैसे मैं तो खा के भी नहीं निकले थे। मैम ने सीधा जलेबी प्याज वाला, जलेबी ढूंढते हुए आई। यहाँ के नहीं है बट क्या बात कर, नहीं भाई यही के स्टूडेंट रहोगे, लाइफ टाइम रहोगे। मैम आप बोल, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा क्या बोलूं, है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो अंकिता, जल्दी जल्दी आ जाओ, आज रिसर्च कॉलर देखेंगे, एंड थैंक यू सुमीत। मेरे कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स मनीष, जो कि मेरा कॉलेज सर्वाइवल पैक बिल्कुल रहे हैं। तो आप बताइए, आप अंकिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी, अच्छा अच्छा बोलना। अंकिता प्रसाद नाम नहीं, एक ब्रांड है। ब्रांड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा, सबके बारे में सोचने वाली, अच्छा अंकिता प्रसाद। ओह धन्य हो गई मैं तो सुन के। तारीफ तो मैंने बुलवाई है ये प्री प्लान था कि मेरी तारीफ करवानी है इस वीडियो में। आप मेरी फिर से तारीफ करिए। ताली बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खूबसूरत है, और इनकी तारीफ इतनी की जाए कम है। अच्छा तो करिए, कम क्यों कर रहे हैं, करिए ज्यादा तारीफ कीजिए, ये सब बुलाया जा रहा है। हाँ ये नहीं डलेगा बट ठीक है, अब कॉलेज के बारे में बता दो, कॉलेज कैसा रहा और आज आखिरी बार हम लोग कॉलेज आए हैं, कैसा लग रहा है? कॉलेज तो बहुत ही अच्छे दिन था, बहुत ही अच्छा था, मतलब आज फिर उसी दिन, जैसे जिस दिन आया था मैं एंट्री लिया था उसी दिन फिर आया हूँ आज लास्ट डे। और आज भी काउंसलिंग है? आज भी ओपन काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग उसी में इसका एडमिशन हुआ था, तो अच्छा लगा। सर भी मिले, सारे टीचर्स से मिले, सभी से। कैसा था आपका कॉलेज लाइफ ये बता दीजिए। अच्छा था, मतलब उस टाइम जब एडमिशन हुआ तब ऐसा लग रहा था जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, वैसी ही बात थी। अब सबको पता नहीं रहता लेकिन इसके पीछे क्या बीतती है, कैसे जिंदगी चलती है, सबकी अपनी अपनी दिक्कत है अपना अपना। पर कॉलेज तो अच्छा था ना? कॉलेज के पहले बहुत कुछ सहा, बहुत डाउनफॉल्स थे, इनके भी थे, मेरे भी थे, और भी लोगों के होंगे, बट कॉलेज में आने के बाद काफी ग्रो किए हैं हम लोग, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, मेरा तो बढ़ा है। I'm back at my room and this is what I did today and I wanted to capture every frame of the university क्योंकि 5 साल मैंने यहाँ बिताए हैं। इट्स रियली रियली स्पेशल फॉर मी। एंड अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपना खुद का ब्लॉग देख रही थी फेयरवेल वाला, एंड आई वॉज फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। एंड इट्स जस्ट दैट जब आप इस तरह के कुछ वीडियोज बनाते हैं, इट्स फॉर यू टू टेक इट विथ यू फॉर एवर। कहीं पर भी मैं जाऊँ आई कैन री लिव दोज मोमेंट्स अगेन बाई सींग सच वीडियोज, सच ब्लॉग्स ऑफ माइंड। सो दिस वॉज माई एफर्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट आई कुड टूडे। बहुत बिजी थी मैं आज, इधर से उधर बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े, लेकिन आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड एवरी थिंग एंड इट्स सच अ स्पेशल प्लेस फॉर मी। आई हैव लिव्ड माई 5 ईयर्स हेयर एंड इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट हैज टॉट मी अलॉट, इट हैज मेड मी अ बेटर पर्सन, अ बेटर स्टूडेंट, अ बेटर लीडर एंड एवरीथिंग दैट आई एम। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ GGV जो भी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, आई होप दिस ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस एंड टू द न्यू एडमिशंस, लिव दीज मोमेंट्स बिकॉज यू आर गोना मिस इट अ लॉट वन डे। एंड Yes, I'll keep it forever with me, so that जब भी मैं इसे देखूँ तो मुझे वो सब कुछ याद रहे। So that is all for today and this vlog. I hope you like it. यहाँ पे कुछ मैं मस्ती मजाक नहीं दिखा पाई because उतना कुछ हमने किया भी नहीं, but a constant feeling of I don't know, what do we call it, sadness एंड नॉस्टैल्जिया, वो मुझे बहुत हिट कर रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी डिफरेंट टुडे, इट वॉज लाइक लाइफ हैज कम फुल सर्कल एंड हम निकल रहे थे और कुछ नए स्टूडेंट्स, नए चेहरे वहाँ पर दर्ज हो रहे थे, नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा था, आज काउंसलिंग थी वहाँ पे। सो बस वही सब याद आ रहा था कि दिस इज लाइफ, आप कहीं पर भी एक जगह नहीं रह सकते,
एंड नो प्लेस इज फॉर एवर, नो पर्सन, नो रिलेशन इज फॉर एवर. सो जब तक आप हैं वहाँ पर, आप उसको जिए और खुश रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज हियर एंड आई विल कीप इट फॉर एवर इन माई हार्ट. एंड जहाँ पर भी मैं जाऊँगी आई विल ऑलवेज बी रिमेम्बरिंग जी जी वी. एंड या दैट्स इट. इट मेक्स मी सो इमोशनल राइट नाउ जस्ट बाय थिंकिंग कि किस तरह से हम आए थे और आज हम निकल रहे हैं एंड कुछ और लोग वहाँ आ रहे हैं. मे बी मेरी जगह कोई और ले लेगा वहाँ पर. मे बी मैं शायद किसी को याद भी ना रहूँ. इट्स रियली वेरी डिसहार्टनिंग टू फील दिस कि अब हमें वहाँ पे कोई नहीं पहचानेगा एंड वी हैव आउटलिव्ड दोज कॉलेज लाइफ मेमोरीज. सो इमोशनल. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई कुडंट क्राई इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स और माई फ्रेंड्स, बट हियर आई एम क्राइंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. सो या, फॉर दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस, डू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट वेन यू आर इन कॉलेज, बिकॉज ये टाइम कभी वापस नहीं आता. इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. बहुत अच्छा और बहुत कुछ बुरा भी होगा, बट जस्ट नो दैट इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ. लिव इट. सो विद दिस आई एल एंड दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.